राज्य बनने के बाद, झारखंड राज्य बनने के बाद सबसे असफल और सबसे भ्रष्ट सरकार का आज अंत हुआ है। मैंने हेमंत सोरेन जी से बहुत उम्मीदें थी राज्य की जनता को, जब पूर्ण बहुमत की सरकार उनके गठबंधन को मिला था और लोगों को लगता था कि एक नौजवान मुख्यमंत्री झारखंड को मिला है तो कुछ करेगा, लेकिन इनकी शुरुआत ही जिस तरह से हुई और जो झूठे वायदे देकर के कह करके लोगों को ठग करके सरकार बनाई थी, उसका भूत उनका पीछा नहीं छोड़ा और अपने सिपाहसालारों के सिफारिश या सिपाहसालारों के सलाह से उन्होंने जो निर्णय लिए और जिस तरह से भ्रष्टाचार को अपना कार्यकाल में सबसे पसंदीदा विषय बनाया, उसका खामियाजा इनको भुगतना ही था। पद का दुरुपयोग जिस तरह से किया, जिस तरह से पैसा 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 को ही भगवान इस सरकार में बना दिया गया, झारखंड की जनता की सेवा को इन्होंने दरकिनार कर दिया गया, युवाओं के भविष्य के साथ बड़े भद्य तरीके से मजाक किया, जैसे सीजीएल आज सबसे बड़ा उदाहरण बनकर के सामने खड़ा है, नौकरियां तक इन्होंने बेच दी, इनका तो अंत होना ही था। और कहीं ना कहीं अहंकार इनके अंदर आ गया था, जब रावण का अहंकार नहीं टिका तो इनका अहंकार कैसे टिकता। और मुझे लगता है पद का दुरुपयोग जिस तरह से इन्होंने किया, लोगों के भावनाओं को जिस तरह से खेला, अराजकता की स्थिति मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने राज्य के अंदर फैलाने का जो प्रयास किया, ये भूल गए कि पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है जहां संविधान और कानून ही सर्वोपरि है। कितना भी बड़ा दिग्गज धर क्यों ना हो, उसको कानून के मातहत ही आना ही पड़ता है। आज उनको इस बात का ज्ञान आया होगा और वो अपने भूलों पर प्रायश्चित कर रहे होंगे। उनकी जो इच्छा थी कि उनके बाद उनका सक्सेसर उनकी धर्मपत्नी बने, वह सपना भी टूट गया। स्वार्थ की राजनीति, वंशवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोगों का एक बेहतरीन उदाहरण माननीय हेमंत जी के एक कार्यकाल और उनका राजनीति को हम देख सकते हैं। अभी एक विश्वास प्रस्ताव के लिए उन्होंने एक पत्र विधायकों का समर्थन का सौंपा है, जो सूचनाएं मिल रही हैं आप लोगों के माध्यम से 43 लोगों का समर्थन का पत्र उन्होंने सौंपा है। महामहिम राज्यपाल उस पर विचार करेंगे। अच्छे मृदुवासी व्यक्ति के रूप में हम लोग देखते हैं, लेकिन इस सरकार में जो वर्तमान निवर्तमान सरकार रही है उसमें वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहते हुए उनके कई एक कारनामे जो है ना झारखंड के गलियारों में, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल और जो उनका भ्रष्टाचार था वो ज्यादा हावी दिख रहा था, लेकिन ऐसा कोई मंत्री तो है नहीं जिसका रीजन में भ्रष्टाचार कम हुआ है। ओवरऑल सरकार भ्रष्टाचारी रही है, तो मुझे लगता है कि बड़े मियां छोटे मियां भी सुभान अल्लाह ही होने वाला है। इस जो गठबंधन ठगबंधन की जो सरकार है इसके कोई उम्मीद नहीं है, और सबसे ज्यादा तो लोग तरस खाते हैं राहुल गांधी जी पर। जहां जहां उनके पद पड़ रहे हैं वहां वहां सरकार पहले चली जा रही है, उनके जाने से पहले सरकार चली जा रही है, बिहार पहुंचने से पहले सरकार चली गई, पश्चिम बंगाल पहुंचने से पहले ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने की घोषणा कर दी, अब झारखंड आने वाले हैं तो यहां भी सरकार चली गई। तो अभागा जिधर जिधर जाए सागर सुखाई जाए, बंगला में कहावत है। तो अब देखिए, अब लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जो सत्ता को सुख के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने लालच के लिए इस्तेमाल करेगा उसका हस्य रह ही होने वाला है। सत्ता त्याग समर्पण चाहता है, सत्ता चाहता है कि भाई सेवक के रूप में यदि हम जनता का सहयोग करें, जनता की सेवा करें, तो सत्ता उसके कमदम चूमती है। आदरणीय मोदी जी उसके सबसे जीता जागता उदाहरण है। ये आप सभी राजनेताओं को समझना चाहिए, देश की जनता, भारत की जनता इस बात को जान चुकी है कि उनकी असली ताकत उनके हाथों में है, जो लोकतंत्र के माध्यम से जो सर्व करेगा हम उसके साथ खड़ा रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।